आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश 10 दिन तक रहे। 7 तारीख को उनकी स्थापना की गई थी और 17 तारीख को उनकी विदाई समारोह पूर्वक की जानी थी। 16 तारीख से गणपति बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन का सिलसिला आरंभ हो गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं सिवनी के ऐतिहासिक मठ मंदिर, अभी हमने आपको मठ मंदिर दिखाया और मठ मंदिर के जो प्रांगण में खेत है, दरअसल ये आपको मठ मंदिर पार्श्व में दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर जो खेत है जहाँ पहले सर्कस लगा करता था, बाद में फटाखों की दुकानें लगा करती थी, उस मैदान में एक अस्थाई विसर्जन कुंड प्रशासन के द्वारा बनाया गया है और उस कुंड में गणपति महाराज की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। देखिए, जिनके घरों में भगवान गणपति विराजे थे वे उन्हें लेकर यहाँ विसर्जित करने आ रहे हैं। 16 और 17 दोनों दिन विसर्जन का मुहूर्त जानकार विद्वानों के द्वारा बताया गया है। देखिए, सामने यहाँ पर गड्ढा खोदा गया है और इस गड्ढे में तिरपाल डालकर यहाँ विसर्जन के लिए व्यवस्था की गई है। लोग घरों से गणपति महाराज को लेकर आ रहे हैं। देखिए, छोटे छोटे से भगवान श्री गणेश को लेकर लोग उनकी प्रतिमाओं को लेकर पहुँच रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। मठ मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य जारी है और मठ मंदिर महाकाल समिति के द्वारा सभी से अनुरोध किया गया है कि इसमें तन मन धन से सहयोग प्रदान करें। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक गड्ढा खुदा हुआ है और इस गड्ढे के में पानी भरा गया है। अस्थाई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गणपति बप्पा को की प्रतिमा को लेकर आते हैं। यहाँ पूजन अर्चन करने के बाद अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरह से उनका विसर्जन किया जाता है। ये जो खेत आपको दिखाई दे रहा होगा, खेत के साथ में ये मठ मंदिर आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। मठ मंदिर देवाधिदेव महादेव की बहुत सिद्ध पीठ है सिवनी में। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इसी तरह जो अन्य स्थानों पर विसर्जन के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी प्रशासन के द्वारा मुकम्मल व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। घरों घर विराजे गणपति देवता की प्रतिमाएँ आपको यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही होंगी। लोग प्रतिमाएं लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं, उन्हें प्रतिमाओं का विसर्जन यहाँ पर प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी, एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद और तिरपाल जो कनात लगी हुई है, कपड़े की एक पर्दा लगा हुआ है उसके अंदर अभी हम आपको लेकर चलेंगे जहाँ पर प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पूरी मुस्तैद व्यवस्थाओं के बीच देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ब्रह्मांड के राजा हैं। उनके पुत्र माता उनके और माता पार्वती के पुत्र बुद्धि विनायक भगवान श्री गणेश का की प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रतिमाएं लाकर पूजन अर्चन के लिए भी एक व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। यहाँ पूजन अर्चन करने के उपरांत अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से गणपति बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन यहाँ पर किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अब आपको यहाँ ये देखिए पूजन हो रहा है। कन्या यहाँ पर पूजन करती हुई प्रतिमा का दिखाई दे रही होंगी। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा विसर्जन के पूर्व
लोग नम आँखों से भरे मन से उन्हें विदाई दे रहे हैं और अगले साल बहुत जल्दी आने की बात भी उनसे कर रहे हैं। मन ही मन वे कह रहे हैं, गणपति पप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ। ये नज़ारा मठ मंदिर के मैदान का हम आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर बढ़ती दिखाई दे रही होगी, भीड़ बढ़ती जा रही है, आरती भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के विसर्जन के पूर्व जिनके भी घरों में, ये देखिए यहाँ पर ये व्यवस्था है, ट्यूब लगाकर एक छोटी सी ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को ले जाकर ये काफ़ी गहरा कुंड खोदा गया है। बहुत ज़्यादा गहरा तो इसे नहीं कहा जाएगा, पर गहरा है जिसमें प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा सके। मठ मंदिर आपको ठीक सामने दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जिन जिन के घर में गणपति पप्पा की प्रतिमाएं विराजी हुई हैं और वे प्रतिमाओं को जब वे यहाँ लेकर आते हैं तो उन प्रतिमाओं के विसर्जन के पूर्व आरती उनकी की जा रही है। यहाँ देखिए यहाँ पर आरती महिलाओं के द्वारा आपको दिखाई दे रही थी कि महिलाएं आरती उतार रही थी। अब ये प्रतिमाओं को प्रशासन के नुमाइंदों को यहाँ सौंपते हुए दिख रहे होंगे। ये यहाँ पर प्रतिमा इनके द्वारा सौंप दी गई है और इस तरीके की जितनी भी प्रतिमाएं यहाँ विसर्जन के लिए लाई गई हैं उन प्रतिमाओं को उन्हें सौंप दिया गया है और विधि विधान के साथ पूजन सामग्री भी, देखिए पॉलिथिन बैन है। जिलाधिकारी संस्कृति जैन, आप भी इसे देख सकते हैं कि नगर पालिका परिषद के द्वारा किस तरीके की कार्यप्रणाली को अपनाया जा रहा है। पॉलिथिन बैन है और पॉलिथिन में पूजन सामग्री आपको साफ दिखाई दे रही होगी। बहरहाल अब ये यहाँ से प्रतिमा के विसर्जन के लिए, देखिए यहाँ से ले दूसरी तरफ एक काली शर्ट पहने हुए वहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, जो इस व्यवस्था जो एक टायरों के ऊपर नावनुमा बना दिया गया है उसको उनके द्वारा खींचा जा रहा है और यहाँ से ढील दी जा रही है। अब प्रतिमाओं का विसर्जन यहाँ पर किया जाएगा। बहुत ही पारंपरिक जो धार्मिक रीति रिवाज के साथ ये देखिए इनके द्वारा यहाँ पर प्रतिमा को अब विसर्जित करना आरंभ किया गया है। ये गणपति पप्पा की प्रतिमा यहाँ पर एक के बाद एक विसर्जित की जा रही है और उनके द्वारा देखिए अब बप्पा की प्रतिमा को विसर्जित किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देखिए एक प्रतिमा गई, दूसरी प्रतिमा भी गई, तीसरी प्रतिमा भी वहाँ पर चली गई। अब आगे फिर प्रतिमा यहाँ पर दे रहे हैं भगवान श्री गणेश की प्रतिमा। जिन जिन ने अपने अपने घरों पर भगवान श्री गणेश को विराजित किया था 10 दिनों के उपरांत उन्हें विसर्जन उनका अब यहाँ पर होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। मठ मंदिर का ये नज़ारा, मठ मंदिर में प्रतिमाओं का विसर्जन यहाँ पर जारी है। एक कुंड अस्थाई कुंड बनाया गया, इस अस्थाई कुंड में प्रतिमाओं का विसर्जन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। वैसे इन प्रतिमाओं का विसर्जन इसके उपरांत मंगलवार 17 सितंबर 2024 को भी किया जाएगा। ये देखिए अब आपको हम दिखा रहे हैं पॉलीथिन को, देखिए उसके अंदर ले जाकर प्रतिबंधित पॉलीथिन आपको दिख रही होगी, प्रतिबंधित पॉलीथिन का यहाँ पर उपयोग हो रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। गणपति पप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको खबरें पसंद आ रही हों तो इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे, फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।